बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने लाहौर कैंट की दो अहम हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, पंजाब शमाल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और UBL कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का काबिल जायज़ा पेश करेंगे। पहले हम बात करते हैं इनकी लोकेशंस की। तो UBL हाउसिंग सोसाइटी और पंजाब शमाल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो हैं, ये लम यूनिवर्सिटी की बैक साइड में है। DHA फेस 2 की बैक साइड आती है। अगर हम बेदियाँ रोड से देखें तो अल्फला टाउन क्रॉस करते हैं तो पंजाब शमाल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, और इसके अंदर ही UBL कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। ये दोनों कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, और बैंक के थ्रू भी आप यहाँ घर और प्लाट ले सकते हैं। और ये वाल्टन कैंट्स के अंदर इनकी लोकेशन है। और आबाद सोसाइटीज़ हैं पंजाब शमाल जो है, इसके अंदर 3.5 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 14 मरला और 28 मरले के प्लाट्स हैं। और UBL कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है, जब हम इसका मुवाजना करते हैं पंजाब शमाल के साथ, तो ये बहुत छोटी सोसाइटी है, गेटेड है, और इसमें 3 मरला, 3.5 मरला, 4 मरला, 5 मरला और 7 मरला के प्लाट्स और घर हैं। पंजाब शमाल हाउसिंग सोसाइटी के अंदर हर फैसिलिटी है, जैसे बिजली, गैस, पार्क, शार्क, कारपेट, रोड्स हैं, पानी है। तो ये UBL कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर वबडा की बिजली है, लेकिन अभी यह गैस नहीं है। और गेटेड सोसाइटी है, लोकेशन भी इनकी सेम है। अब हम बात करते हैं इनके रेट्स की। तो UBL कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर, जैसा कि मैंने कहा कि 3 मरला, 3.5 मरला, 4 मरला और 5 मरला, 7 मरला के प्लाट्स हैं। यहाँ जो इसका रेट है वो तकरीबन 8 से 10 लाख पर मरले का रेट है, 8 से 10 लाख पर मरले का रेट है। छोटे प्लाट्स हैं इसमें, 3.5 मरला, 4 मरला, 5 मरला, 7 मरले के प्लाट्स हैं, और फौरी तौर पे आप घर बना सकते हैं। तकरीबन 80% जो है ये आबाद स्कीम है, गेटेड सोसाइटी है। अब हम बात करते हैं पंजाब शमाल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की। तो यहाँ 3.5 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 14 मरला और 28 मरला के प्लाट्स हैं। अगर हम रेट की बात करें तो यहाँ जो पंजाब शमाल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में औसत रेट है वो तकरीबन 10 लाख से 15 लाख पर मरले का रेट है। पंजाब शमाल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो पर मरला रेट है वो 10 से 15 लाख पर मरले का रेट है। पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है ये 90% 90% आबाद सोसाइटी है। अगर हम घरों की बात करें तो UBL हाउसिंग सोसाइटी में 3 मरला, 4 मरला और 5 मरला के घर हैं। UBL कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में बैंक के थ्रू भी आप घर ले सकते हैं। यहाँ उस जो 3 मरले का घर है उसकी जो कीमत है 60 से 70 लाख है। इसी तरह जो पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, इसके अंदर जो 3.5 मरले का घर है वो 70 से 95 लाख के दरमियान है। जो 7 मरले का घर है वो उसकी औसत प्राइस जो है वो 1.15 करोड़ से लेकर 1.50 करोड़ के दरमियान है। जो 14 मरले के घर है उनकी जो औसत प्राइस है वो 1.90 करोड़ से लेकर 2.50 करोड़ के दरमियान है। पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एज़ कम्पेयर टू UBL हाउसिंग सोसाइटी रेट्स प्लाट्स के भी ज़्यादा हैं और घरों के रेट भी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बेहतर सोसाइटी है UBL कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से। इसके अंदर गैस भी है और हर बेसिक फैसिलिटी पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मौजूद है। UBL कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है ये पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की निस्बत इसका रेट कम है, और इसके अंदर जो
बेसिक फैसिलिटीज़ है वो गैस नहीं है इसके अंदर, बाकी वावड़ा की बिजली है। और गेटर सोसाइटी है, इसमें भी 24 घंटे सिक्योरिटी है। तो इन दोनों हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर प्लाट्स के बारे में या घरों के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप यहाँ घर या प्लाट ख़रीदना चाहते हैं, तो आप मालूमात ले सकते। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।